तारीख है 7 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 1:00:02 PM। सुनिए, देखिए पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का पिता होना या नवाज शरीफ को स्लॉटर किया जाना पहली बार ऐसा विश्व में हुआ कि अचानक विश्व में जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को स्लॉटर किया जाने लग गया अचानक ही। असल में हुआ क्या कि एक ऐसा ग्रुप जो जन साधारण मतलब जनता को कुछ समझता नहीं था, उनके लिए जो जनता है ना पब्लिक वो सिर्फ एक खिलवाड़ है। कल मैंने एक ऐसी विजुअल चेक करी, मतलब अब सरप्राइज पब्लिक ऐसा सोचती है कि नेता अगर मोहल्ले में आ गया। अच्छा हम तो देखो जब मैं भागलपुर गया बिहार तब मेरे जो है क्या कहते हैं वॉइस SPG खोली गई, सुपर वॉइस खोली गई, ठीक है, जिसमें सीक्रेट ऑर्डर्स होते हैं। हालांकि विजिलेंस की तरफ से ही जो है पहली बार जब ऑर्डर खोले गए तो जब मेरी विजिलेंस में अपॉइंटमेंट हुई, अब मैं नहीं जानता उससे पहले रॉ में कैसे हुई थी अपॉइंटमेंट, आई डोंट नो, बट यस आई वाज अपॉइंटेड बट नॉट अवेयर अबाउट इट, और शायद हो सकता है उनका काम करने का तरीका रहा। पर विजिलेंस की जब अपॉइंटमेंट मेरी ऑन हुई, मैं क्यों ये बातें बताता हूँ कि नई उम्र के लड़के जो अपॉइंट हों, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन चीज़ों को जो है मिस कर दो। बहुत लड़के मेरे से कहते हैं कि मैंने 10 रॉ में लड़के जो है मैंने रिक्वेस्ट बोली भेजी रॉ में ऑफिसर से, वैसे बहुत सीनियर है, हालांकि मेरा अंगूठे पे कोई भी निशान हो पैसा कितना भी हो पर सीनियरिटी सीनियरिटी है। तो अब रॉ के जब इतने सीनियर्स ऑफिसर्स ने बात मेरे से हुई थी तो मैंने रिक्वेस्ट करा क्योंकि सर कैन आई अपॉइंट 10 बॉयज़ इन रॉ, अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं मैंने सिर्फ 10 लड़के बोले मैं तैयार कर दूँगा। अनलाइक पर दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत ये है कि 10 लड़के ढूँढना, डेडिकेटेड हो, डिमांड हो, पर एग्ज़ाम भी होता है, पर रॉ वाले कब कैसे एग्ज़ाम लेंगे नहीं पता आपको, समझ में आ गई। और एग्ज़ाम तो होता है, रिटर्न होता है, बिल्कुल होता है। तो जब विजिलेंस वालों ने अपॉइंटमेंट भेजी तो आई आस्क्ड देम, उन्होंने मेरे को सीधा बोला अच्छा अपॉइंटमेंट कहाँ कैसे होती है, मैं सब सिखा सकता हूँ, सब सिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओ वो मेरे ऑर्डर्स को या मेरी रिक्वेस्ट को मना नहीं करते, तरीके अपने अपने होते हैं। और हम भी जो है ना कुछ कुछ चीज़ों को बड़ा सोच समझ के करके चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत ख़राब हो जाए। उदाहरण के तौर पे एक मामला आया रॉ की तरफ से, मेरे पास ऊपर प्रेशर था एक ड्यूटी पूरी करने के लिए। मैं कह के काम करने वाला आदमी हूँ, है बिल्कुल है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग्स है, रॉ से है, बिल्कुल है, क्या कर लेगा, दे क्या कर लेगा, मारना अभी तो शुरू भी नहीं किया यार, तो तुम ही मार मुर रहे हो एक दूसरे को, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया अभी तक है, एक गोली नहीं चलाई यार हमने, तो हम तो बस कॉल सुन रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी सेकंड वॉइस सुन रहे हैं, तुम्हारा इतिहास सुन रहे हैं, तुम्हारे द्वारा किए गए क्राइम तुम खुद बोल रहे हो, मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। डिड आई एवर टॉर्चर टू एनी वन फ्रॉम दिस कॉलोनी, नो नेवर, दे हिमसेल्फ इन्फॉर्मिंग मी, आई एम लिसनिंग देयर वॉइस सर्वर्स, दैट्स इट, अब कुछ नहीं किया है। यह दो बातें हो गई है क्या, सुनिए, मैंने बस मारने का ऑर्डर मोदी को पहले दे दिए, ठीक है, एविडेंस बाद में दिए और कुछ नहीं है, और कोई बात ही नहीं है बस। पर जब मेरे से पूछा गया रॉ वाले भी गुस्से में, तो क्या आदमी है ये सर, अब वो भी सोचना पड़ेगा, कहते यार बात तो सही कह रही है,
अब क्या करें? तो करने का हमने कुछ किया ही नहीं है। मैंने जब पहली बार इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कॉल ट्रेस ली स्मृति जुबिन ईरानी, और जब कॉल एनालाइज हुई और उसके जेस्चर्स एनालाइज हुए, पता चला कि इंडियन ऑयल टैंकर जो है हाईजैक हो गए हैं। इन्वॉल्व कौन था? स्मृति जुबिन ईरानी। ऐसा दिमाग लिया यार, ये कैसे हो सकता है? इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई एम टोटली न्यू। अब किया क्या जाए? इन्वेस्टिगेशन चलती रही यार। मैंने क्या किसी की बुद्धि पकड़ के क्या उसको मुर्गा बना के मारा है? नहीं किया ना। वो तुम खुद काट काट के खा गए यार। कंदिल बलोच को मैंने मारा? नहीं मारा ना। कंदिल बलोच को तुम पाकिस्तान से यहाँ लेके आया, इंटरव्यू पे लेके आया, रोमेश शर्मा लेकर के आया। अब इतनी तगड़ी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना बैठ करके, आप यकीन जानो, मतलब मैं से मेरे पास पड़ोस में महिलाएं रहती हैं, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मानो या ना मानो, मैं बाहर गेट पे खड़े होकर ज़रा बीड़ी पीना ही पसंद नहीं करता। अब यार पूरा दिन घर में बैठे कॉल सुनते रहो। और सडनली समटाइम मेरी वाइफ और बच्चे होते तो मैं उन पर शाउट भी करते, यार प्लीज़ यार। तो मैंने थोड़ी कहा कुछ यार, तुमने क्राइम किए हैं, तुमने अपनी वीडियोस बनाई हैं, तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हारा फोन तक हैक नहीं किया है यार। चेक कर ले भाई मेरा फोन, और मेरे फोन में कोई भी मटेरियल है दैट इज टोटली डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। किसी का फोन हैक करके डाटा नहीं मंगवाया भाई। ट्विटर पे अब फातिमा कनीज उनका पूरा नाम है, और वैसे फातिमा चादर लिखते हैं। तो यार मैंने कहा आपको हैं कि आप अपने और अपने हस्बैंड की फ़ोटो अपलोड कीजिए। अब वो HDL सुरेश सिंह और जो सानी है उसका बाप है, मैंने कहा। वो यार वो पब्लिक में है, मैं तो निकाला उसको, क्या कहते हैं सर्वर में लगाया। अब कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्यों बताएं यार? मेरे से मेहरौली थाने में और सेकंड वॉइस में और सुपर वॉइस में पूछा गया, यार हमें भी सिखा दे यार, रॉ में चला जाए ना, मैं क्यों सिखाऊं? मैं क्यों सिखाऊं ये बताओ ना, साफ सीधी बात है, पागल कुत्ते ने काटा है मेरे को। अब कह रहे यार इसके घर की तलाशी लो, क्यों लो? इसने कोई डिवाइस छुपाया है, कहाँ कंट्रोल रूम है? भाई ईमानदारी कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस घर में। ये दिख रहा है ऊपर, दिखाई दे रहा है कहाँ कंट्रोल रूम? बस यही है जो है कहाँ कंट्रोल रूम, बस लिखा हुआ और कुछ नहीं, तू लिख ले। तो एक बंदा है, उसने रजौरी गार्डन की तरफ क्या किया, मेरे रूम की देखा देखी सेम वैसे ही। अब यार हिंदू हैं वो, अपनी हिंदू देवी देवताओं के चित्र नहीं लगेंगे तो कैसे लगेंगे? मेरे दिमाग में घर का डिज़ाइन आया, मैं कहा ये जैसे पोस्टर लगे ना ऐसे जो मिलते हैं ना दीपावली पे, ऐसे ख़रीद के लाऊंगा, कम से कम 500 पोस्टर्स अलग अलग देवी देवताओं के, और सारी दीवार पर चिपका दूँगा घर के अंदर अपने एक रूम में। What's wrong? और क्या तो गलत क्या है? मैंने अपने घर के अंदर 10 अवतार की तस्वीर लगाई, 4 फुट by 5.5 फुट की है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, मतलब लगते के साथ जो है ना घर ऐसा, मतलब इतना ताकतवर लगता है देखने में। तो भैया तो दिक्कत क्या है तुम्हें? तो ये कुछ मेरे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोस्त हैं, दे आर वेरी मच यूज टू विजिट माई हाउस एंड आई फील वेरी हैप्पी। घर आके देखेगा, अच्छा मूर्ति पूजा चालू हो गया, फिर पगला गया क्या तू? अब मैं शुरू हो गया ना तो बेटा फिर पढ़ा दूंगा बाइबल 2 सेकंड के अंदर। मेरी गलती क्या है? तो यार अगर मामला भुवनेश्वर राणा का है तो वीडियो देख लेना। मैडम आपका नाम सीता है, आपका नाम रूबिका है, आप समझो ना।
आपने बोला ना RDX, मैंने तो नहीं बोला। आप बोलती कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं भारत सरकार के लिए जो है वहाँ पे लड्डू पेड़ रखे हुए हैं, मैं वो भी बोल देता। यू सेड कि देर इज एन 1000 kg RDX एंड इट इज एक्टिवेटेड। यार मेरी क्या गलती है, तुम पुलिस को यहाँ से SVG कॉल दे रहे हो या आपकी सोर्स कॉल दे रहे हो कि आपने रखा RDX, तो मेरा दोष है क्या? रॉ को धमकी आपने दी है। पहली बार एक दिन मैं आ रहा था इधर से छतरपुर मंदिर की साइड से, मैं चर्च के पास से पहुंच ही रहा था, रॉ में ऑफिसर हैं, वो छुटते ही गाली थी उन्होंने मुझे, छुटते ही फोन पर डिवाइस लगा हुआ था कान में। तेरे बहन के लोड़े भोसड़ी के कान खोल के सुन ले दो बातें, पहले एक बात कह रहा हूँ तुझे, मैं जी बोलो तेरे ड्यूटी कर ले चुपचाप 42-46 में, ठीक है सर कर ले। अच्छा जी, अच्छा ऐसे है, ठीक है कोई बात नहीं। अब उससे आ रहा कुछ बोला नहीं, मैं कहा ठीक है सर कर लेंगे। अब यहाँ पैदल पैदल जाऊं पाकिस्तान है, यहाँ किसी मुसलमान को पाकिस्तानी समझ के मार दूं? यू टीच मी ना, क्या करूं, रेंगते हुए जाऊं ऐसे ऐसे जासूस बन के है, या वो भिखारी सा बन जाऊं या ढोल वोल लेकर के बजाते हुए जाऊं, चादर लेकर के फैला लूं और सिक्के इकट्ठा करते जाऊं, खर्चा भी निकल जाएगा। अकल घास चरने गई है क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा। दिन भर बैठ के कॉल सुनते रहते हैं यहाँ पे, सब ने हर डिपार्टमेंट ने जो है पिन लगा रखी है टकाटक। अब किसकी फ़ोटो ऑन होगी? मैंने अभी इनको जो है एक हल्का सा हिंट दिया, मैंने एक आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, बहुत बढ़िया आवाज़ है, मैं कह जानते हो किसकी आवाज़ है वो? वो दिल्ली पुलिस में नहीं है भर्ती, वो पता है कौन है, वो लक्ष्मी की आवाज़ है असली में। फ़ोटो दिखा दूँ तो देखे नहीं है लक्ष्मी की फ़ोटो? लक्ष्मी नहीं है, कमला की फोटो है, कमला नेहरू की नहीं है, ये कमला है, दो सफ़ेद हाथी हैं इसके साथ। मैं चार हाथी वाली फ़ोटो ढूंढना था, मैंने डिज़ाइन करी, मैं कहा प्रिंट निकालूंगा, नहीं निकल पाए। अबे भाई वो है सफ़ेद हाथी है फोटो में, है तो है, क्या करूं उसे काला करूं बैठ के? क्या करूं, मतलब रॉ में भर्ती हो गया हूं तो क्या करूं यहां से, मतलब यहां से बॉर्डर के इस पार से कोई गड्ढा खोद के सुरंग बनाऊं है उस पार जाऊं और फिर क्या करूं? बहुत देर बॉर्डर के उस पार सारे पाकिस्तानी हैं, मार दे मिसाइल, तेरे को दिक्कत हो रही है कोई? मैं गाली क्यों दे रहा भाई, जो केस बताया है ना तू पहले भाई वो ढूंढ ले, बात मान जा। मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब और कुछ नहीं कह रहा। ये कुलभूषण जाधव बन जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ मरियम नवाज से जो है ना गवादर पोर्ट की फाइल जो है क्या कहते हैं साइन करवा लूँ। कहेगा मंडल तू उससे क्यों साइन कराएगा, नहीं इमरान खान तो जिंदा बचा नहीं। मैं सोच रहा था इमरान खान को मारने जाऊं, मेरे से पहले ही मार दिया उन्होंने, फिर मैंने सोचा नवाज शरीफ मार दूं, उससे पहले ही मार के बैठ गए। तो किसको मारूं, करूं क्या वहां जा करके, पिप्पा खाने जाऊं? मरियम नवाज देखने क्यों, इंटरनेट पर फोटो कम है उसकी है? तो फिर
करूं क्या, या उस हवाई जहाज से कूद जाऊं, हैं, शहबाज शरीफ को मारने जाऊं, नया जो आया प्रधानमंत्री वो भी काट के खा गए लोग। करूं क्या, मेरे ये समझ नहीं आ रही है। बॉर्डर पे ना मैं इधर से जाने की सोच रहा था, मैंने फोटो डाउनलोड करी, इधर से लिखा हुआ इंडिया भारत, इधर ही लिखा हुआ भारत है। जब गेट पे भाई देख, किसी के गेट के बाहर लिखा है भारत, तो उस तरफ भारत है, तो वहां दिक्कत क्या है? उधर से जाके देखने के लिए मैंने फोटो देखो, ये कह रहा उधर की कोई फोटो नहीं है, मैंने फिर रहने दो, शर्त लगा ले। अबे इधर इधर से देखेगा गेट के, इधर लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है, तो मतलब उस तरफ भारत ही तो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है भाई, किसी के दरवाजे पे उसकी नेम प्लेट लगी है, उधर कौन है? कह रहे पाकिस्तानी, फिर वो कहीं और से आए हैं, शर्त लगा ले। कह रहे पाकिस्तान की ड्यूटी कर ले, पाकिस्तान की ड्यूटी, अच्छा जी, इतने दिन खराब हो गए मेरे, मतलब इतने दिन भारत की ड्यूटी से मेरा पेट नहीं भर रहा ना, पाकिस्तान की ड्यूटी करने चला जाऊं। मेरे से कह रहे थे इमरान खान से तूने नौकरी कैसे मांगी, अबे भाई उसकी लौंडिया से शादी हुई है, मां कसम खा के कह रहा हूं, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं है। क्या हो गया मतलब, तो क्या हो गया तू, मैं कह रहा हूं ना यार, अच्छा तेरी मां की कसम खा के कह रहा हूं, सबकी मां की कसम खा के कह रहा हूं, ठीक है ना, बात मान जा भाई, और कोई वजह नहीं। तो कह रहे डोनाल्ड ट्रंप से तूने नौकरी कैसे मांगी, भाई उसकी लौंडिया से शादी हो रही, तो कोई बात नहीं, और कैसे बात करूं उससे, मैंने बोला बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई, बुरा मान गए, तो यार पहले जब नौकरी मांगी तब बुरा मान गए, तो और क्या बोलूं, वो छोकरी दे दे, अजीब आदमी यार तुम, तो कैसे बात शुरू करूं मैं, और कैसे बात करूं, कैसे बात करूं, कोई तो कारण होगा, मान ली बात तुम आई भी में हो, मैंने कुछ कहा तो मैं तुम, मान ली बात तुम्हारी तुम आई भी में हो, मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत खुशी की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है, भारत की आई बी का नाम पूरे विश्व में मशहूर है, थार रहेगा, रॉ से जो पंगा लेगा वॉर है, मैंने बोला भाई, रॉ को उल्टा करने की सोची तो वॉर होगी सीधे, मैंने कुछ कहा, फिर भाई वो मौका नहीं लगा, मैं अगली नौकरी नवाज शरीफ से मांगने वाला था, और क्या करूं, ऐश्वर्य राय के बाप का नाम तो पता नहीं, ढूंढूंगा फोटो ट्विटर टाटर पे तो है नहीं, और उसके घर में कैसे जाऊं, मार खानी है नहीं, मार खानी है मैंने, मतलब इमरान खान के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाऊं, यार मैं वही आदमी हूं जिससे तूने अपनी बेटी की शादी कराई थी, उसके मूड का क्या पता, नौकरी मांगने के बहाने मैंने कहा यार नौकरी, डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा, फिर वही बात, तो इन बहन के लोड़े की लौंडियाएं पिटवाऊं कैसे, अब गाली पड़ेगी इनको, मैं कहा देख ले ऐसी है, छिछोरी है बहन की लोड़ियां, छिछोरी कैनिबलिस्ट ने हाथ जोड़ लिया भाई, नौकरी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी ना नौकरी, ना तू अपने आप समझ, मैं कह तो रहा हूं कभी नहीं, मैं क्यों करूं पाकिस्तान की ड्यूटी, भाई इमरान खान एक अलग मामला है, हाँ तो क्या बात हो गई,
कह रहे यार शहबाज शरीफ को तू अपना पीएस क्यों बना रहा है। अरे यार वो मरियम औरंगजेब उसकी लौंडी आया है, तू समझ नहीं रहा, उसे शादी कराई उसने और कोई बात नहीं है। पर किसी बहाने या तो मैं उसके घर जाऊं या वो इधर आए, इससे और बात आगे कैसे बढ़ेगी। कह रहे नवाज शरीफ क्यों मर गया, अरे भाई वो मर इसलिए गया, वो डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में पैसे कराड़ा हो गया, वहाँ माँ चुद के हाथ में आ गई, बहन के लोड पैसे वैसे ही कंगले थे। हाँ मैं कहा चलो किसी वजह से कहीं तो कुछ बात बनेगी, अब क्या करूँ, गरीबों से मैं शादी नहीं करता, बाप गरीब है, सुनते रहो ध्यान से। अब नहीं अब पाकिस्तान में तो रिश्ते तोड़ रहा हूँ, नहीं अब देखो मेनका का तो बात अलग है, देखो बाप गरीब है ये तुम्हारी किस्मत है, और बेटा अगर ससुर गरीब है ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैंने जिंदगी में जिन शब्दों को गोल्डन वर्ड्स दिए हैं ना, जरूरत ही नहीं तुम्हें पिप्पा विप्पा खाने की, क्यों नहीं। वो बाइडन कह रहा मेरी पोती से शादी कर ले, मैंने कहा कभी नहीं करूँगा, कह रहा क्यों क्या बात हो गई, मैं तो उसका बाप है, मैं फिर रहने दे, नो बिग नो, सीधी बात है, कोड नहीं बनता ना, दादा पोती क्या, दादाजी बैडमिंटन है वो तो इतनी सी होगी फिर, वो वाला कोड ना पहले ही मुझे पता था बैडमिंटन वाला, मैंने बताया तुम लोगों को, चिड़ी छक्का, चिड़ी का छक्का नहीं पता तुम्हें, तो फिर मैंने बताया ना दादाजी बैडमिंटन, अमिताभ बच्चन, वो चमन प्रास पता नहीं कौन सी ऐड, वो सब मैंने लिख के दिया भाई साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन लिख के दिए। तो फिर बताओ यार, अब जब उनके वो डिमोनेट मरियम नवाज का बाप जो है नवाज शरीफ डिमोनेटाइजेशन करके पूरा पाकिस्तान का सत्यानाश करके बैठ गया, अब क्यों शादी करूं उससे, अब क्या बात कर रहा है तू, तो भुवनेश्वर राणा से भी ज़्यादा गरीब है वो, कालेश्वर राणा से ज़्यादा गरीब है, जिंदा होता ना तो यकीन मान ले वो भी कहीं ऑटो किराए पे लेके चला रहा होता। हकीकत और क्या। ये तो आपस की बात हो रही है बस, और नहीं, वो रॉ वाले भाई साहब को कॉल आई ना उस पर बात हो रही है कि उठा के भाई साहब क्या बात कर रहे, घसीटते हुए ले जा मेरी बला से, और क्या, मैं क्यों बीच में बोलूँ, सिंपल है, सिंपल टेम्पल। कह रहे गाने क्यों बना रहे, तो और क्या, बहन के लोड़ा ब्लू फिल्में बनाऊँ तुम्हारे घर परिवार की, एक बंदे को इसीलिए तो मारना उस बहन के लंडे को, मेरे घर में कैमरा लगाने की सोच रहा था, तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लंडे, बाइक पे घूमता है उसके चेहरे पे काला सा है, चेहरे पे कुछ कटा हुआ सा निशान है, उसे ढूंढो कहीं से भी, पूरी कॉलोनी के आसपास ही घूमता है, मेरे घर के अंदर ना वो कैमरा डाल के वीडियो बनाने की सोच रहा था, उसे ढूंढो कहीं से भी, कई बार देख लिया मैंने उसे आते जाते, वही माँ का लोड़ा सपोला है यहाँ भोसड़ी का, उसे पकड़ के कहीं और छोड़ गया हो, नहीं नहीं बाकी उसे पकड़ो बहन के लड़ों को, उसे एक ही को मारना है, मैंने कहा था ना बताना पड़ गया क्या करूँ, उसे ढूंढो, उसे ढूंढ, उसे पकड़ लिया ना गेम ओवर है सबका, उसे पकड़ो बस। देखो पिक्चर में अगर घपले हो रहे ना कैमरा मैन पकड़ लो बस, और कुछ नहीं किया ना किसी को, तू आ जा बहन के लंडे यहाँ पे, ना ना हीरो हीरोइन किसी को कुछ मत, वो कैमरा मैन उठा लो बस, इधर ही हो लिखो भाई का एजेंसी में, हाँ तीसरा खेल कहाँ पे है, पहले कहाँ से कोकीन था, कहाँ से कैनिबलिज्म, और अब एक कहाँ से क्या पकड़ना है, कैमरा मैन पकड़ने हैं, इनकी बहन चौधरी है वहाँ के लंडों की, कैमरा मैन पकड़ो, हंटिंग इज बिग बिग गेम विद कैमरा, बताएंगे अभी।
तुम्हें बताते हैं बहन के लौड़े फिल्टर लगाना कहते हैं किसे। पहले इसको पकड़े इस माँ के लौड़े को, बाइक पे घूमता है काला सा है, थोड़ी छोटी हाइट है इसकी, और चेहरे पे ना ऐसे कटा हुआ सा कुछ निशान है, कुछ दाग है इसके, इसे ढूंढो। ना ना और किसी को कुछ नहीं कहना है, बस इसे उठा, इस बहन के लौड़े को टांग दे, बोल फुल नेटवर्क बता, तेरी बहन चोट देंगे नहीं तो। चुपचाप पहुंच जा माँ के लौड़े मैरोली थाने, और कुछ नहीं। ना मुझे क्या लेना देना, भुवनेश्वर राणा अपना खामा खा रहा है, वो छोड़ना कहने बोले स्टॉप कुछ हो नहीं, घर में कैमरा डालने की किसके दिमाग में थी। उस माँ के लौड़े को पकड़, इन कैमरा मैनों की बहन चोदनी है, ठीक है। अब सुन मेरी बात तो सुन ले यार, देख हाँ मेरे घर में ना वो ट्यूब कैमरा होता है ना, वो पाइप वाला जो कैमरा होता है, वो डालने के दिमाग में था कूलर से, अपने आप बताएगा वो सब कुछ। अगर मर गया ना वो बहन के लोड़े, उसका पूरे खानदान की माँ चोद देंगे, बंदा जिंदा चाहिए। तो भाई तू तो रॉकी गाड़ी लेके घूम रहा है, क्यों पेट्रोल बर्बाद करा, उसे ढूंढना। बंटी के घर के पास जो है ना, एक दो बार उसे बाइक लेके खड़ा हुआ देखा है मैंने, वो सब बकेगा। हाँ बस वो चाहिए मुझे, ठीक है। अब सुनो, देखो नहीं वो जब पाकिस्तान क्या करना है, जब शादी वादी करके गरीबों की लड़की उठा के लाओ, फिर कल को रोना धोना ठीक नहीं लगता ना। डोनाल्ड ट्रंप की लौंडे से क्या करनी सारी, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन उसकी बची नहीं, उधारी कर्जे में वैसे आ गया है, मेरा भी बहुत पैसा देना है, मैंने कहा यार पैसे ही ले ले, इसकी लौंडिया रख के क्या करना, खाम का बेकार की बात है। फिर 2400,000,000,000 अमेरिका बचा कहाँ, वो तो मैंने आरामको वगैरह खरीद ली, तो वहाँ के जो गरीब मेरे साले सालियाँ हैं होने वाले थे, मतलब चल रहा अमेरिका किसी तरह, और कोई बात नहीं है। नहीं नहीं वो तो MRM से तो हो ही जाए, उससे कोई बात नहीं, क्योंकि सऊदी में कोई दिक्कत, उन्होंने अपना पूरा राज पार्टी मेरे नाम कर दिया। तो फिर मैंने एक बार प्यार से देख के कहा, मैंने कहा जाओ फिर गरीबी में, भाई यही बात है और कुछ नहीं। तो मैं क्यों मांगू इमरान खान से नौकरी यार, उसने अपनी लौंडिया से शादी कराई भाई, और कोई बात नहीं थी। मेनका से ऐसे बॉर्डर के उस पर चौड़ा होके जाएंगे ना ऐसे आराम से, क्या बात है भे? क्या क्या बात कर रहे तू, जाना है अब उसके यार, उसकी मैयत वैयत पूरी हो रही होगी ना, ओके शोक शोक मनाने जाना है ना, और क्या। नहीं मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी मरे तो हाँ बीवी का बाप मरे मैं पहले ही बोलता था अपनी अपनी वाइफ को, तेरा ससुर है ये जो घर में था मेरे पापा क्यों बोलती है बदतमीज पापा बोलते रही मंत्र गलत चल गए किसी के बाप तेरा वहाँ 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 खैर चलो जैसे भी है पूरा हुआ जाएंगे किसी दिन और क्या। नहीं अब गरीबी आ रखी है वैसे ही, पिप्पे पे मैं फंस फंस आ गए। मैं तो वैसे ही नहीं किया, मैं माँ के चूर में जाओ ना बहन के लौड़ो, पैसा खर्च करना पड़ जाएगा हाँ और क्या। नहीं उसको पकड़ेंगे, वो भी तो बैठा हुआ उसका घर के बगल में, उसका भाई जो है हाँ कह रहा मांस भात वाला मैं कहा माँ चुत गई बहन के लौड़े, अब घंटा खाएगा खड़ा रहे आराम से सोचना पड़ेगा अब कुछ। हिंदुओं में यही तो खासियत है, तुम्हें लंडन ही पता भोसड़ी वालों, यहाँ देखो मरने के बाद जो है ना सबसे ज्यादा मजा आ गया, बंदा मरमरा जाता है, नहीं जो भी है शोक तो पूरा मनाया जाता है, पर बाद में जब भोज वोज होता है ना, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ना, खुशी भी नहीं होती दुख भी नहीं होता,
पर हाँ ठीक है, बस एक ये होता है कि चलो भाई, क्योंकि अग्नि संस्कार होता है ना हमारे यहाँ, चलो भाई एक जो है प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ठीक है हरिवास हो गए, तो ये बस यही बात होती है, ये खुशी होती है मन में, क्योंकि नर्क से जो है, और पुत्र अगर अग्नि संस्कार कर दे तो इससे बड़ी बात क्या है, समझ में आई, यही बात थी। हम का माँ चुदाओ ना बहन का लड़ा भोसड़ी वाला में, हम तो मजे ले रहे हैं आराम से। हाँ हाँ भाई साहब, ऐसा कभी जो है ना ज्यादा शक्तिशाली मत बनना। किसकी बात कर रहा है? हाँ तो जाएंगे एक एक बार, वो आएंगे, क्या दिक्कत है ना। अब क्या, अब तो नहीं रहा, भी तो पैक है, माँ की चूत तेरी बहन की लड़ी पागल समझ रही है पैक। मरियम अब क्या करेंगे, मरियम जेल में पहुंच गई, पहुंच गई। अरे भाई 24 घंटे का टाइम, कहते ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राबी पीर से था मरियम नवाज रियाम, वचन दिया तो दिया, ठीक है ना। चिंता ना कर, अगर तुम्हें भी मैंने जो है क्या कहते हैं, क्या करूं तेरे समझ नहीं आ रही ना, ताकत कैसे दिखाऊं तुझे, मेनका का क्या दोष है इसमें। तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ छुटते एक बार, वेयर इज माय मनी, बता। मैं डोनाल्ड ट्रंप से मैंने पहली बार हल्का सा हैंड दिया, सर वेयर इज माय मनी, लौंडिया पकड़ा रहा आपने, बहन के लौड़े से खर्चा कहाँ से उठाऊंगा, चूतिया तेरी माँ के चूत, इवन का ट्रंप नाम है उसका, बहन के लंडे भोसड़ी के, यहाँ बहन के लौड़े 8,000 रुपये महीना किराया आता है उससे घर चल रहा है। दिखावे पर मत जाओ, अपनी प्यास बुझाओ, हाँ स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास। इससे बढ़िया एड टीवी पे आज तक नहीं आई है, आज तक पे भी कोई ऐड नहीं आई है। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऐड पता है किसकी है? स्प्राइट की है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास, ठीक है ना। और कोई स्प्राइट से बेस्ट कोई ड्रिंक नहीं है। पिया कभी स्प्राइट पी के देखी है? हैं? अल्टीमेट है स्प्राइट, और वो नहीं नहीं फैंटा, नहीं फैंटा नहीं, एक और आता है यार वो मिरिंडा, मिरिंडा और फैंटा यार इतनी गजब लगती है ना पीने में, और थम्सअप। हाँ हाँ मैंने कहा यार फैंटा पीने में इतनी गजब लगती है, वो सैफ अली खान की माँ कह रहा हूँ उसकी बीवी, हाँ वो उससे बड़ी लगती है अमृता सिंह देखने में, वो कह रहा है हाँ सारा अली खान से कह रहे इससे शादी कर ले, मैंने हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे भाई, 10 रुपए की फैंटा पी लूँगा, माँ के लड़े चूतिया समझ रहा है मेरे को, क्यों ना 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 पैसे की बात कर पहले, देयर इज नो मनी, नो मनी नो वर्क। इमरान खान से सारी डील, सारी बात, सब कुछ। और ऐसा सत्यानाश हुआ मरियम नवाज के मामले में, तो नवाज शरीफ ने पैसे तो ले लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मैं बताता हूँ ना, कहते हैं ना मरियम नवाज की किस्मत में लिखे लिखे हैं पकोड़े, तो कहाँ से मिलेंगे घोड़े। पकोड़े खाओ पकोड़े मैडम, बताता हूँ कैसे रही सही कसर, पता है नवाज शरीफ का चूतियापा कर गया सबका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसने बेच दी मुझे, पेमेंट कर दी हमने, और नवाज शरीफ की जो पेमेंट थी ना वो जब्त कर ली, पता है किसने, उसने मरियम नवाज को नहीं दी चूतिये ने, पर इमरान खान ने क्या करा, अपनी 800 करोड़ की पेमेंट में 600 करोड़ रुपये जो है मेनका को दे दिए, कहे थे 600 करोड़ रुपये की पेमेंट मेनका को कर देना पार्टी की, और 200 करोड़ रुपये मैं रख लूँगा। मैं कहा ठीक है भाई, ये पकड़ो भैया, तो 600 करोड़ रुपये मेनका के पास गए, और 200 करोड़ रुपये जो है इमरान खान के पास, तो वो 200 करोड़ रुपये जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलेंगे सब एक साथ सारे बच्चे, ले लोड़ा देवी घोड़ा, ठीक है। और वहाँ मरियम नवाज की पता है कहाँ आ चुकी, मैं बताता हूँ तुम्हें खेल, नवाज शरीफ पता है क्या बोल रहा है आपस में चल रही इनकी,
बेटी ऐसा है, पैसे तो यहाँ आ गए, पॉलिटिकल पार्टी बेच दी थे इसको, ठीक है, तुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और उसने जो है जितना भी पैसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके हॉस्पिटल वॉस्पिटल सबकी पेमेंट कर दी हमने, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेरा पैसा इतना देना था, मतलब घी कहाँ गिरा, तो हितेश मंडल की थाली में दाल तो कहीं भी हो सकती है, फिर घी घूम फिर के जो है ना एकदम मधुसूदन घी सीधे यहाँ हितेश मंडल की थाली में, कहीं नहीं जाने वाला। नवाज शरीफ का जो पैसा था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, अब मरियम नवाज के हाथ में क्या लगा, घंटा घंटा नहीं घंटी, कैसे सनातन धर्म कबूल कर लिया ना, बजाती टन 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 टन। और नवाज शरीफ का पैसा गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वहां पे हमारे बंदे बैठे हुए बीआई वाले आराम से, और सर क्या हाल है, कितने की रिकवरी है, ऐसे टेबल पे पेमेंट घूम रही, इधर से हमारी बीआई सिस्टम ने पेमेंट करी नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के पास पेमेंट से पेमेंट गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले ली, इधर ले आवे पैसे, ठीक है, और उधर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ में जो ना फिर से वहां पे एलबिट वाले बैठे हुए, अच्छा आगे पैसे इधर देते जरा हितेश भाई के। नवाज शरीफ पता है क्या कह रहा है, वो तुम पागल हो गए हो क्या तुम लोग, अब पैसा मेरा है, पॉलिटिकल पार्टी मेरी, कह रहा भाई तू पाकिस्तान का नागरिक है, हाँ तो पैसे दे दे चुपचाप, पहले डिमोनेटाइजेशन तूने करी थी, नुकसान तेरा बाप भरेगा। मरियम नवाज के सारे हॉस्पिटल खरीद लिए हमने, 30 के करीबन हॉस्पिटल, हाँ 30 के लगभग हॉस्पिटल हैं इसके, छोटे बड़े सब सब खरीद लिए हमने, और एक आधा होटल वोटल कुछ प्लॉट 15 किले वीले सब खरीद लिए नवाज शरीफ ने, धका धक बेच दिया धका धक, कुछ एक चीज उसने मरियम नवाज को दी होगी, ठीक है, अब पेमेंट तो हो गई भाई, अब वहां फिर वही वाला केस हो गया, वो पैसे गए क्या कहते हैं नवाज शरीफ के पास, बीआई ने फटाफट पेमेंट करी, ठीक है, हाँ अलीजा सैर रुबीना सोबीना सबके साथ यही हुआ पाकिस्तान में, सुनते रहो अभी, थार कोल्ड फील्ड पता है क्या चोद हुआ थार कोल्ड फील्ड, और इसमें देखते रहो भी इनके साथ हुआ क्या पाकिस्तानियों के साथ, भारत में तो यहाँ बैठे मैंने तो सीधी सीधी पेमेंट कर दी, मैं कहा देखो बदतमीजी करोगे ना तो वर्ल्ड बैंक वाले फिर पहुँच के कहेंगे क्या बात हो गई भाई, नहीं पेमेंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं कराएंगे ना, पहले तमीज से बात करना सीखो हितेश से। कह रहे कौन हितेश, हाँ वो प्रिंस चार्ल्स ने पूछ लिया, कह रहे कौन हितेश, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बस, कह रहे सर वो नहीं अच्छा कोई बात आपको क्या मतलब। तो मरियम नवाज के ना हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी की जब पेमेंट हुई तो अंदाजन 86,000 करोड़ रुपया के लगभग पेमेंट गई, पेमेंट बनाई गई। नवाज शरीफ ने देखा कह रहे बहुत खुशी की बात है, लंदन वाला अपार्टमेंट भी बेच बाच दिया, और काफ़ी बड़ा है वो लंदन वाला अपार्टमेंट जो, अच्छा खासा बड़ा है, मतलब होगा तो जितने बड़े में छतरपुर एनक्लेव फेस टू है इतना होगा, 2 ब्लॉक है आमने सामने, और ठीक ठाक पेमेंट हुई उसके, तो मेरे ख्याल से कोई मतलब 3 trillion के आसपास हुई पेमेंट। नवाज शरीफ पेमेंट लेकर के जैसे ही उठा इतने में इंटरपोल वाले और बीआई वाले खड़े हो गए, सर एक्सक्यूज मी, इंटरपोल वाले कह रहे ये डिमोनेटाइजेशन की जांच चल रही है सर, हम लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से पेमेंट के सारे पेपर लिए, चलिए सर यू आर अंडर अरेस्ट, हाँ लंदन से अरेस्ट लिया था नवाज शरीफ को सर प्लीज, नवाज शरीफ को बढ़िया से कॉन्वॉय में बैठाया, नवाज शरीफ कह रहा अच्छा नया कॉन्वॉय आया है मेरे लिए, कह रहा सर आपके लिए नहीं है हमारा है, आप अरेस्ट है इसे साथ लेके जा रहे हैं, हितेश गुस्सा बहुत करता है सर अगर क्या कहते ये गरीबों की तरह घूमेंगे तो। कौन हितेश सर, वो ट्विटर हैंडल हितेश रेवन, अच्छा 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 तो फोटो दिखा सकते हो, जैसे ही फोटो दिखाई ना नवाज शरीफ के बजर लगा दड़। ये कह रहा है इसकी तो मैंने वीडियो देखी है तो गाली गलौज बहुत करता है ये। कह रहा सर प्लीज सर ये हमारे सर हैं, आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, फोटो दे दीजिए,
फोटो लेके उसने बड़े प्यार से जो है ना जेब में रखी बंदे ने, कैसा इनको कुछ नहीं कहना। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेके आए तो पाकिस्तान पुलिस ने मिनट में हैंड ओवर ले लिया इंटरपोल से, सर प्लीज़ पैसा हमारा है। और अटैच ही गई कहाँ पे, इंटरपोल वालों ने कहा हाँ सर आपके पेमेंट है, हम हमारा इससे क्या मतलब है, आप हमारी जो है 40,000 million US dollar कह रहे हैं, हाँ सर लीजिए। उन्होंने इंटरपोल ने अपने 40,000 million US dollar टोटल डिमोनेटाइजेशन की जाँच के लिए और चलते बने। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नुकसान बताया क्या हुआ, 40,000 million US dollar। अब वहाँ पेमेंट ले करके ये बैठे तो पेमेंट पहुँची, वहाँ वहाँ ट्रेजरी में भी ना हमारी टीम के बंदे बैठे हुए आराम से, ओ भाई क्या ये, अच्छा ले आया ठीक है आ जा। तो जो गेट से अंदर लेके आता है ना पेमेंट, उसको ही पता था अंदर क्या होने वाला, बाहर वाले को नहीं पता। बाहर वाला तो बड़ा खुश है, खजाना भर दिया मैंने तो पाकिस्तान का, उसे नहीं पता अंदर जो है बेटा बापों के बाप बैठे हुए हैं। इधर ले इधर 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 ले, और उधर ही जो है ना बाहर एक और ट्रक खड़ा हुआ है, हाँ ले आए ठीक है, गाड़ी आके लगती है। वो बंदा जो है फटाफट वो जो है अटैची चेंज, उसने सारे सेल के पेपर उठाए अपनी अटैची में रखे, एल्बिट सिस्टम वाले जो है लगा करके अटैची में, थैंक यू वेरी मच सर, और बाहर गए गाड़ी में बैठे और चलते बने। कह रही वो क्या रहा है यार, देखा यूं ले ली पेमेंट नवाज शरीफ से डिमोनेटाइजेशन की, हमारा लंदन पंडन का सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी, क्या था क्या ये हमारे आगे। और बड़ा खुश हो रहे नैब वाले भी, खूब खुश, अंदर नहीं पता बेटा बाप बैठे हुए, आने दे बेटा पैसे, और कहाँ कहाँ से लेके आ रहे सबके, ऑल ओवर वर्ल्ड से इनकी प्रॉपर्टी बिकवानी शुरू करी एल्बिट वालों ने, सर प्लीज, और इंटरपोल वालों ने, सर प्लीज डिमोनेटाइजेशन की जाँच है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का लॉस पे करना है, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, कहीं कोई जालसाजी नहीं है, रत्ती भर के लिए भी नहीं है, ठीक है। अभी अरे बड़ा लंबा केस है ये, तुम कहाँ इधर पिप्पे पिप्पे में जा रहे हो यार, खाम का भाभी जी घर पे और फूफा जी घर पे, किस चक्कर में पड़ रहे हो तुम वीडियो देखो तुम्हें फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ से जो वो पेमेंट लेकर निकल गए, वो ट्रेजरी के अंदर जो है वो एंट्री डालें और फिर वहीं आ जाए। कह रहे यार ये क्या चक्कर है, तो उसमें ना आगे माइनस शो कर रहा है, करते करते पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल जो है वो जब्त हो गया, रेडियो पाकिस्तान जब्त। मैंने कहा रेडियो पाकिस्तान खरीदने, करे हाँ सर पेमेंट, सब खुश हो गए भाई भेज दें क्या दिक्कत है, पेमेंट कर दी भाई, नहीं नहीं 30,000 crore में हुई, ज़्यादा की नहीं, 30,000 crore रुपीज़ पेमेंट कर दी गई भाई। अब पेमेंट हुई रेडियो पाकिस्तान को, बड़े खुश हो गए वहाँ पे, सर थैंक यू हम आपसे मैं बहुत खुश हूँ। पेमेंट वहाँ जाते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पहुँची, कैश हार्ड गोल्ड सीधा पेमेंट धका धक, पैसे उधर पहुँचते के साथ ट्रेजरी में पहुँचो, ट्रेजरी में बैठे हुए एल्बिट वाले, आ जा भाई कौन सा वाला ट्रक आया ले आ, एंट्री बनाई और फटाफट क्या कहते हैं पेपर चेंज अटैची चेंज, और ले करके फिर से सूट बूट में अरमानी पहने हुए बंदे, थैंक यू वेरी मच, सीधा वर्ल्ड बैंक, सर ये पेमेंट कहाँ, हितेश रिवान, हाँ हाँ सारे सौदे, मतलब तो ये कह रहे यार बात तो सही कह रहा है ये, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चल रहा है, अमेरिका में आरामकोम में भी तो यही हुआ, सऊदी में तो सब, जब सऊदी की गवर्नमेंट, जब सऊदी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो आरामकोम में जो है, आरामको कंपनी है एक, उसमें अमेरिका और सऊदी अरब का कोलैबोरेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए पेट्रोल सप्लाई का, तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट मेरी हो गई, हाँ सारी संपत्ति मेरी है। वो कह रहे हैं हाँ संपत्ति इसके नाम कर दी, तो आकर लेगा कैसे, यही मोहम्मद बिन सलमान वगैरह कह रहे हैं, मैं इतनी सी बात है तुम देखो तो सही, अभी खेल मैंने सीधी डील ट्रांसफ़र करी और आरामको ख़रीद ली, अमेरिका के हिस्से का पैसा 2400 लाख अरब डॉलर लेना है यार, सर कितने की है आरामको, पता चला आरामको की कीमत जो है 400 billion US dollar है ना, ठीक है सर, असेट वसेट लगा के कोई 750 billion US dollar के लगभग बैठी,
असेट लगा के सब पेमेंट पेमेंट कर दी गई। वो गोल्डन लीफ चलती है यहाँ तो टकाटक, ठीक है, फटाफट पेपर साइन होने शुरू हुए और जैसे ही अमेरिकन ट्रेजरी में पहुंचे वहाँ बैठे हुए आराम से बीआई वाले हाउ इज सर प्लीज कम नो एक्चुअली वी आर हियर टू कलेक्शन फॉर 2400 लाख अरब डॉलर फर्स्ट पैकेट। कितना पैसा है? 700 बिलियन US डॉलर। वर्ल्ड बैंक ओके प्लीज थैंक यू। सूट के एक्सचेंज गोल्डन लीफ इधर और पेमेंट उधर कंपनी इधर। इनके साथ जो हालात हुए ना, इनके साथ जो हालात हुए हैं, मतलब कहने का ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चारा ना। मैंने इनको पहले समझाया था, देखो बिहेव इन योरसेल्फ, ठीक है, बदतमीजी नहीं, मानते ही नहीं है। मैंने कुछ कहा कुछ किया नहीं किया ना, ठीक है। अब ऐसे में जो है, नहीं नहीं इस समय पाकिस्तान में नहीं मेन का वो पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी छीन रहे हैं लड़कियों की, नहीं नहीं तो यार हद है, पॉलिटिशियन को जब्त करना, पब्लिक की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी छीन रहे हैं हमको, गवर्नमेंट जब्त थोड़ी हो रही है अभी, वो तो ICJ के ऑर्डर बाद में आएंगे, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी कभी नहीं, नहीं सिविलियंस की प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती, इसलिए पब्लिक कहने पर इन नेताओं के साथ जो खेल हुआ ना और गवर्नमेंट के साथ, थार कोल्ड फील्ड के अंदर जो ड्रामेबाजी हुई ना, पता थार कोल्ड फील्ड के लिए कितना पैसा मांगा गया? 90 ट्रिलियन US डॉलर हैं, ले ले। करते करते सौदा जो है कोई 24 ट्रिलियन, मतलब टोटल लगा के असेट वसेट वहाँ, मतलब जो खुदाई होती है ना जब उसको डिगिंग शुरू करते हैं उसको, तो उसमें से बहुत सी एसेट्स निकलती है, कुछ भी हो सकता है उसकी भी लगा करके सब, तो पेमेंट पामेंट जो हो गई, और फिर वही खेल, आराम से आके बैठा सहवाज शरीफ बड़ा चौड़ा होकर के, हाँ यार ऐसी भी तैसी यार क्या बात करती है, पेमेंट आके यार इतनी देर काम है, चल अब देख मजा। सहवाज शरीफ आकर के बैठा अपने PM ऑफिस में, तो वहाँ जो है ना आराम से जो है ना क्या कहते हैं, उसे पता था कि BAE वाले बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है, BAE वाले बैठे हुए, तो उसे जो है क्या कहते हैं सर्विस स्टाफ ने जाकर के जो है सहवाज शरीफ को बोला कि सर इतेश रेवान की कंपनी से कोई मिलने आया है आपसे BAE से, सर हाँ वो पेमेंट वो करी थी एल्बिट वालों ने थार कोल्ड फील्ड में, क्योंकि थार कोल्ड फील्ड में जो है क्या कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन था, पहले थार कोल्ड फील्ड में हमने जो है कुछ चीज़ें रोकी थी, तो सहवाज शरीफ मीटिंग रूम में पहुंचा तो वहाँ BAE वाले भी थे, थैंक यू सर हाउ आर यू सर ये पेमेंट, देखते के साथ सहवाज शरीफ के ऐसा भयंकर बजर लगाना। तो ये लोग ना ये मोबाइल वोबाइल ज़्यादा देखते नहीं है, ट्विटर हैंडल वगैरह इनका कोई और चलाता है, ठीक है, वो बता नहीं सकते क्योंकि भाई कोई PM है, कोई आपका HMO है, कोई कुछ है, तो वो जब तक लेके जाएंगे प्रिंट आउट या जब तक बोलेंगे तब तक उनको पता नहीं रहता, तब तक जो है BAE और एल्बिट वाले गेम बजा देते हैं इतनी देर में, तो हम क्या करें, तुम समझो ना, जब तक ये सोचते हैं ना उठ करके नहा धो करके ऑफिस पहुँचते हैं तब तक तो काम करके चल देते हैं वो लोग, 3 घंटे में चटका देते हैं सौदे। सहवाज शरीफ ने देखा वो पेमेंट, अच्छा हाँ हो जाते, सहवाज शरीफ ने साइन कर दिए, तो वो आया वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लोग थे वो आए फटाफट, सहवाज शरीफ से बड़े हिसाब से बात कर रहे, अरे तो वो लाया वो गया था वहाँ पे, हाँ जी लेके आओ जी, अरे पेमेंट तो ले करके जा रहे, पेमेंट के पर्ची साइन हुए BAE वाले ने जो है स्टाफ को दी अपने, ये लेके जाओ ये ट्रेजरी में पेमेंट लेकर, ठीक है, वो वहाँ लेकर के पहुँचे वहाँ फिर एल्बिट वाले बैठे हुए, हाँ भाई ओए इधर 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 बढ़िया है, वो थार कोल्ड फील्ड का जो पैसा था वो भी गया,
अलीजा शहर के साथ पता है क्या खेल हुआ, अलीजा शहर की जब पेमेंट वगैरह रिफ्लेक्ट हो गई ना, वो गोल्ड जब गोल्ड भी है ना, हमारी टीम तो एकदम टू द पॉइंट बात करती है, गोल्ड की पेमेंट भी हो गई तो वहाँ पंजाब पुलिस वाले पहुँचे, मैडम ऐसा है पाकिस्तान के ऊपर जो है बहुत संकट आ गया है, और कुछ ऐसे कुछ बोला उसको, तो अलीजा शहर के ना अलीजा शहर अकाउंट देख रही, अभी तो यार 3 दिन पहले तो पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई थी, अब कहाँ चली गई, गायब। ठीक है, ये क्या खेल है, मतलब अब जाएगा कहाँ पैसा, वो जाएगा कहाँ यार, ढूंढो। गोल्ड जो है वो पंजाब पुलिस वाले उठा ले गए, ले आके वहाँ ट्रेजरी में जमा किया, तो वहाँ फिर एलबिट वाले बैठे हुए, लाओ भाई वो वर्ल्ड बैंक से सर्टिफाइड और इंटरपोल से, वर्दियाँ पहनी हुई है सब ने। ठीक है, आ जाओ भैया, चल भाई चल लोड करा, और वहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है हमारे जो है C-17 गोल्ड लोड कराते हैं, पैसा लोड कराते हैं, लेके चले गए। अब बात आई डिमोनेटाइजेशन करे हुए ना पुराने नोट की बात पे। ठीक है, हम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में चल रहे, सुपरवाइज मेरी चल रही थी शुरू से, छोड़ना है कहाँ एजेंसी वाली सुपरवाइज, झापड़ पड़ेंगे सबके, सारी पूरी कॉपी चेक कर ले ऑर्डर, और तब से लेके अब तक मैंने जो है कह दिया, कह रहे यार ये पुरानी करेंसी का क्या करना है, मेरे से पूछा इन्होंने, मैंने कहा यार हम खरीद लेते हमें बेच दे, इन्होंने मेरे को बेच दी और 82 पैसे पर किलो पे मैंने करेंसी खरीद ली, विश्व के 10 देशों में, इससे ज़्यादा भी जगहों पे जो है ना डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और इंटरनल लैंग्वेज वही थी कि इलीगल टेंडर, और मैं ऐसा आदमी जिसने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया था। उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरी टीम वाले पहुंचे और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सोमालिया, कई देशों से जो है पुरानी करेंसी, यहाँ तक कि रूस, अमेरिका में डॉलर भी चेंज हुआ था, सब जगह डिमोनेटाइजेशन किया इन्होंने, सब जगह से हमने डॉलर उठा लिए, डॉलर की भी वैल्यू है, गोल्ड है, पर वहाँ एक मामला कुछ और है। ठीक है, कि सऊदी अरब की वजह से वो ना क्रूड ऑयल को गोल्ड और गोल्ड को क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक गोल्ड पता है किसे कहते हैं, क्रूड ऑयल को बोलते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं, अफीम नहीं होती, क्रूड ऑयल होता है, ब्लैक गोल्ड बिल्कुल होता है, पता कर लो सर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, अमेरिका के डॉलर भी उठाए हमने, आराम से निकाले सर प्लीज़, लोड कराए भाई डिमोनेटाइजेशन पे, ये देखो सर ट्वीट देख रहे हो, हितेश ने डिमोनेटाइजेशन पे जो है ट्विटर का सर्वर ही खरीद लिया मेरी टीम ने, कह रहे सारे ट्वीट निकाले पुराने, डिलीट डिलाट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाले डिमोनेटाइजेशन पे विरोध किया है ना इसने, मतलब ये डिमोनेटाइजेशन को जो है क्या कहते हैं सपोर्ट करता है, नहीं सर डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट है ये, ले आ भैया, मतलब ये करेंसियाँ जो है हितेश के लिए वैलिड है, हाँ चल वर्ल्ड बैंक लेके चल, मेरी टीम के लोग कह रहे BAE वाले यार ये पुरानी करेंसी खरीद के करेंगे क्या यार, मतलब कह रहे सर से पूछो तो सही, मैं भाई कुछ नहीं करना, वर्ल्ड बैंक जा गोल्ड बदल ले, आराम से लेके गए पाकिस्तान का डिमोनेटाइज किया हुआ पुराना पैसा और भारत का पुराना पैसा लेके गए, आराम से आज की वैल्यू पे गोल्ड कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ मरा मोदी दोबारा कैसे, और ये एक तो पुरानी करेंसी का गोल्ड कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है, और ये नई करेंसी लिया है उसका गोल्ड इन्होंने दिया नहीं, वर्ल्ड बैंक ने गोल्ड मांग लिया और इनके खाते पे जो है माइनस चढ़ा दिया, मिंट में लिया उन्होंने गोल्ड, और यहाँ पब्लिक के पास गोल्ड बचा नहीं, जब उन्होंने गोल्ड ले लिया तो वो पुरानी करेंसी का लिया ना, जिसको इन्होंने इलीगल टेंडर कह दिया। हाँ हाँ यार हितेश भाई हिसाब करने बैठेंगे बेटा, पैसे दे के जाओगे लेके नहीं जा सकते तुम, गलत बात कहता ही नहीं मैं भाई, इनके ऊपर जो है तीन गुना चपट लग गई, जो पुरानी करेंसी इलीगल टेंडर बोली कर अकाउंट में चढ़ा दिख रहा है ना, ये इलीगल बोला तूने, इसका गोल्ड दे, पटाक एंट्री मारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 गुना नुकसान, 82 रुपये चल रहा है इस समय डॉलर,
तीन गुना नुकसान आते के साथ ही जो है ना, क्या बोलेंगे सब एक साथ, ले लोड़ा देवी घोड़ा सत्यानाश। तो पिछले वाले का गोल्ड कवर कर लिया, कह रहे हाँ जी कर लिया, तो कह रहा अभी इलीगल था ना, हट अप साइड ऑफ। अब क्या कह रहा है तू, सर ये नई करेंसी लाए हैं, कितने की लाया है ये सर, वो जितना डिमोनेटाइज था 15 ट्रिलियन, ठीक है इसका गोल्ड कौन देगा, अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने 15 ट्रिलियन का गोल्ड एंट्री मार दिया, हाँ दे दी तुम्हारी करेंसी को गोल्ड वैल्यू दे दी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 15 ट्रिलियन का गोल्ड खरीदना पड़ गया, तो 15 दुनी 30, अभी रुको तो सही। हितेश भाई ने यहाँ इनके ऐसा पंप मारा ना पब्लिक के, मैंने कहा बेटा एक काम करो तो जरा, अब अपनी अपनी करेंसी का ना गोल्ड वापस मांग लो इनसे। बैंक कह रहे अब गोल्ड जहाँ कह रहा है, पब्लिक ने गोल्ड ही कन्वर्ट कर लिया, अब बेटा होल्ड तो बचा नहीं, अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, से सॉरी टू हितेश मंडल। सॉरी बोलना पड़ेगा ना पब्लिकली पोडियम पे आके, कौन बाइडन बेटा, अमेरिका में भी साइलेंटली डिमोनेटाइजेशन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी पुरानी करेंसी रद्दी खरीदने का जिम्मेवारी मेरी है ना, क्या चूतिया समझ रहा है क्या व्लादिमीर पुतिन। पर पुरानी करेंसी पे एक फायदा पता है क्या हुआ, उसके साथ गोल्ड था, मैंने कहा गोल्ड निकाल इसका, वहां ले लिया, अब वर्ल्ड बैंक में मैं लेकर के गया, ठीक है मैंने कहा सर बड़ा तगड़ा किस्सा है, वर्ल्ड बैंक वाले भी हाथ लगाए घूम रहे हैं आज तक, मैं कहा सर ये करेंसी है इसकी वैल्यू गोल्ड चाहिए, मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया था, कह रहे ये तो इलीगल टेंडर है, तो हमने पूरा किस्सा सुना है ऐसे ऐसे, हमने कहा सर पर इसके साथ हम इसके इसका जो गोल्ड था वो ले आए, कहते उससे हमें मतलब नहीं है ना, जब ये इलीगल है तो उसका गोल्ड भी इलीगल है, इलीगल गोल्ड हम लेते नहीं है, मैं कहा रख लो बेटा। तो सर पर मैंने तो विरोध किया है ना, ये मेरे हिसाब से लीगल है सर, अच्छा लीगल है, पर सर इन्होंने इलीगल कह दिया, इनके लिए रद्दी थी, मैंने रद्दी के भाव खरीद लिया, कहते जो आपने किया वो लीगल है सर, बहुत खुशी की बात है। तो सर मैं इसका गोल्ड ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट लीगल है, तो सर ये जितना पैसा इसका गोल्ड दे दो चुपचाप। तो बैठे बैठा है कितने कितना कमा गया, फिर भी कहते हो कि मैं रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स नहीं हूँ, क्या बात कर रहे हो यार। तो अब भुवनेश्वर राणा नहीं चिढ़ेगा मेरे से तो कौन चिढ़ेगा, ये ऑटो चलाने वाला नहीं चिढ़ेगा तो कौन चिढ़ेगा मेरे से, तुम्हें पता है जिंदगी में तुम्हारे सबसे ज्यादा कौन चिढ़ते हैं, तुम्हारे पड़ोसी और कोई नहीं चिढ़ेगा तुमसे, और तुम्हारे रिश्तेदार सबसे ज्यादा चिढ़ेंगे तुम्हारी तरक्की देख के, ये माँ के लंगूर सुन लो, हाँ ये माँ के लंगूर जो है ना ये सब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, मतलब इनके जो है खुजली हो रखी है, अब तू उसे खुजाना यार। यहाँ क्यों इंस्टॉलेशन फेल रहा है, मैं क्या करूँ इसमें भाई, तू ऑटो चला रहा है वो बड़ा ही है, ये दारू का धंधा कर रहा है, वो कैंटीन में नौकरी कर रहा है, तो मैं क्या करूँ इसमें, तुम्हें क्या लेना देना। मैं तो जब भी बाहर देखता हूँ तो एक ही बात मन में बात आती है, अच्छा अभी भी गरीब का गरीब ही है, तो कितना पैसा कमाया मैंने, वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब अपलोड करूँगा, क्या बात कर रही है। वर्ल्ड बैंक में मैंने एकदम साफ बोला कि सर ये देखो ये करेंसी है और ये इसका गोल्ड है, कह रही है हमारे लिए इलीगल है, पर सर इसका गोल्ड कहते जब ये इलीगल है तो इसका गोल्ड भी इलीगल ही हुआ ना, तो आप नहीं लोगे इसे, नहीं हम क्यों लेंगे, मैं कह इसको जरा साइड करिए जरा, पर सर अब एक बात का जवाब दो, मेरे लिए तो इलीगल है, हाँ वो ले नहीं रहे ना चला नहीं रहे, अब इसे कहाँ बदलूँ मैं,
पर खरीदी मैंने रद्दी में, कह रहे इतना टाइम नहीं है यार, दिमाग लगाना है कितना गोल्ड है। मैं कहा साहब लगा लो, ठीक है लोड करावे इसके जहाज में, दिमाग खराब नहीं करना अपना। कह रहा माँ चुतवाने के लिए बहन के लौड़े पड़ रहे थे सबके सब, अकेले मार रहा बेटा सबकी। तो मेरी टीम के बंदे यूँ देख रहे, सर आप कुछ कह रहे हैं भाई, हाथ जोड़ रहे तेरे, तेरे को क्यों कहेंगे। वो ये फोटो दिखा रहे उस पर इंटरनेट पे, ये है ना आपके साहब, हाँ मेरा हाथ जोड़ रहे इनके, तो यार माँ चुतवाने के लिए बहन के लौड़े वर्ल्ड बैग खोल के बैठे हैं। पता है सुपरवाइज दे रहे हैं, पटापट हिंदी में चलती है, तो बीए वाले पता है क्या कह रहे हैं, माई चुतवानी है बहन के लौड़ो भोसड़ी वालो, तो बाप की फोटो जो रखी है बुलवाओ क्या। बीए वाले कह रहे ऐसा है यार, कमाने की इच्छा से ही कंपनी बनाई थी हमने असल में, समझ में आ गई। अब तो सोच रहे हैं यार पहले पैसे इकट्ठा कर ले, जहाज वाज बना के करेंगे क्या। बात कर यार तेज से, अगला क्या प्रोजेक्ट है। मैं कुछ नहीं है, अपने स्टाफ के साथ बैठना आराम से पूछना, और कोई डिमोनेटाइजेशन कर रहा है क्या वर्ल्ड में। डेटा निकाली जरा, वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक वालों ने बहस ही नहीं करी, पता क्या कह रहे, हाँ दूसरे रूम में बैठ के बात कर रहे। कह रहे यार इसी यही दिन देखने के लिए जिंदा थे क्या। बहन के लौड़े जब देखो पांच जहाज लेके आते हैं गोल्ड भर के ले जाते हैं, कितने दिन से भर रहे हैं यार, अब तक पूरे ही नहीं हुआ। तो कौन है ये लोग, करे ट्विटर पे देखा ये लड़का जो ये इतेश रेवन, ये है ये, क्या शादी हो गई इसकी। कह रहा बहन के लौड़े सब सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, माँ के लौड़े समझ में आ गई। इसके घर कभी जाएगा ना, इसकी बीवी ईट 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 फेंक के मारती है पोछड़ी के, गलती मत कर दियो। ठीक समझ में आ रही है, और कोई बात नहीं है क्या, मतलब शादी शुदा है सब, बच्चे बच्चे भी हैं, हाँ तीन बच्चे हैं। मतलब पैसा कितना है इसके पास है? कह रहा तेरे पास है, कह रहा नहीं ज्यादा नहीं है, कह रहा इसी की वजह से नहीं है। ये बंदा जो है ना, ये कह रहा इल्लीगल काम नहीं करता, बस ये इंतजार करेगा कब तुम इल्लीगल काम करोगे, उसी समय मार देगा तुम्हारी। इंटरपोल का बेल्ट नंबर और दे दिया, और आईसीजे का नंबर दे रखा है इसको। कह रहा 50,000 million US dollar पहले ही आईसीजे में भेज दे रही, कोर्ट चलने दो जी आराम से। इंटरपोल को 50,000 million US dollar दे करके मस्त बैठा हुआ है। क्या भी काम क्या चल रहा है, कह रहा भगवान जाने। कहता यार फिर रहता कहाँ है, कह रहा घर देखेगा इसका। बहुत बड़े वाला है। मरियम नवाज ने पहली बार जब इसका घर देखा पता क्या कह रही, मैं अपने बाप के घर ही ठीक हूँ। और जब इसका पैसा सुना ना, तो अपने बाप को पता क्या कह रही है, झुग्गी में भी रहता हूँ वहीं रह लेती। बाप कह रहा अब नहीं जाने दूंगा, अब यहीं रहे। अब पता है क्या हो गया, कह रहा ऑल ओवर वर्ल्ड में ना जो जहाँ है सबने एक ऑर्डर पास किया यथास्थिति बरकरार रखे, सोच ले। नहीं तो बेटा ये ऐसा आदमी है पिंजरे में बंद करा देगा चिंपैंजियों के साथ, इसके ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कहते। मैं बार बार इन्हें कह रहा हूँ भाई, मैं ऐसे कह रहा पब्लिक, बाब इधर ओ इधर देख, ओ इधर मैं इतेश इधर देख, कह रहा भाई छोड़ना क्या करना है,
कह रहा मीडिया में पब्लिसिटी के लिए जा रहा है, ऐसे तैसे में जाओ। तो बंदा पता उसके कान में क्या कह रहा है, बहन के लोड़े भोसड़ी के कौन से न्यूज़ चैनल से, पता क्या कह रहा है, कह रहा एबीपी न्यूज़, कह रहा ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए कह रहा है, इसको कह रहा है एबीपी न्यूज़ का मालिक है ये। पता है एबीपी न्यूज़ वालों के साथ क्या हुआ, न्यूज़ चैनल खरीदने गया तो आनंद बाजार पत्रिका वाले जो है ना ये बहन के लोड़े हैं तो उल्टे नेटवर्क में, चैनल की कीमत पता है कितनी बोली इन्होंने, हैं 26,000 करोड़ रुपये, बंदों ने मिनट में पैसा दे दिया, और पैसा जो गया सीधा क्या कहते हैं इनकम टैक्स वालों ने जब्त कर लिया, डिमोनेटाइजेशन में जो नुकसान हुआ भारत को सीधा जब्त हुआ, और वहाँ पहुँचा ना तो आरबीआई गया, और आरबीआई में ना इसके एल्बिट वाले बैठे हुए शक्तिकांत दास को बैठा के, इधर बैठो है शक्तिकांत, और इंटरपोल वाले हैं वो, शक्तिकांत दास को नीचे बैठा रखा था कह रहे नहीं आरबीआई की चेयर पे नहीं बैठे, चेयर तो खाली है, शक्तिकांत दास नीचे बैठा रखा कोने में, वहीं बैठो है, पैसा कहाँ हमारा ठीक है। पर दूसरा ना बगल में बीआई वाला बैठा, तो बीआई और एलिविट वाले आपस में बात नहीं करते, कह रहे क्यों भाई दोनों कंपनी तो हितेश भाई की है, कह रहा कॉम्पिटिशन चल रहा है। और बीआई वाले पता है किस लिए पहुंचे थे, जो मोदी ने पैसा डिमोनेटाइज किया था ना पुराने वाला, वो रद्दी के भाव खरीदा इसने, उसका गोल्ड भी लेके निकल गए आराम से ट्रकों में लोड करके, कह रहा मतलब कह रहा भाई 1947 से हिसाब लगा ले जितना गोल्ड था ना वो सब इसका हो गया है, कह रहा आरबीआई में तू चला जा, कोई कुर्सी पर थोड़ी मिलेगा बैठे, वहीं बैठ रहते हैं एलिवेट वाले आराम से, ओए वहाँ बैठ नीचे, कह रहा बस गेट पे ही मिलेगा, बाकी राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू कैमरे पे ही दिखती है कुर्सी, बाकी तो बैठाते नीचे बैठवा, चल 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 उधर चल, पैसा कहाँ है, कहता जानता है कितने की रिकवरी है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कहता यकीन जान 14,000 ट्रिलियन US डॉलर है, कह रहा और आईसीजे से अप्रूव है इंटरपोल से, कह रहा खड़े पांव चीजें खरीद लेता है, खड़े पांव, कह रहा इसने वो गेम खेला है ना जो तुमने डिजाइन किया था, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ये अपनी एक पोजीशन बना के चुप बैठ गया, करा खेलो ये देखता रहा तुम्हें बड़े ध्यान से, और बस मौका देख के बस एक एक कदम अपनी गोटी बढ़ाता रहा ये, और इसे पता क्या कहते हैं, शेयर और मात, चेक एंड मेट, हाँ जाओ जहाँ मर्जी बात कर लो, नहीं झगड़ा लड़ाई किस बात के लिए, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, धमकी हथियारों की किसने कह दिया, सर्विस वर्सेस है ना डॉलर, ले ली सर्विसेज, तो कहते हैं भैया बुरा ना मानो होली है, कह रहा भाई होली है मतलब होली इनकी ऐसी तैसी होली है, बुरा ना मानो इनकी ऐसी तैसी होली है मेरे से कह रहे इसके पैसे, सरदार कह रहा सरबजीत सिंह इसके 25,000 रुपये नहीं बेटा स्वर्ण मंदिर तक जब्त कर लूँगा, सरदार सरबजीत सिंह कह रहा, और यहाँ कुछ ईसाई मुसलमान और ज्यूइश इसके 25,000 रुपये नहीं पहुँचने देंगे, दिवाली कैसे मनाएगा, ऐसे मनाते हम दिवाली, समझ में आ गई ना, सभी भारतवासियों को श्री राम भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
महालक्ष्मी पूजन ऐसे किया जाता है भाई। ऐसे करते हैं महालक्ष्मी पूजन। फुलझड़ी फुलझड़ी क्या यार, बचपन का खेल है। इस बार अमेरिका गया काम से। तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान, तू साला काम से गया। आराम से बैठे, आराम से, कोई चिंता नहीं है। है सर, है क्यों नहीं, सब चौड़े हो रहे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो, बता देगा का एजेंसी क्यों घुसेड़ी जबरदस्ती मेरे ऑर्डर्स में। क्यों दिया पीएमओ का नंबर, क्यों कहा, ये दी ना प्रधानमंत्री की पावर, क्यों कहा, क्यों स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है सैंडिस कंपाउंड में कपड़ा मंत्रालय के नाम पे जो है अपना रुमाल गिराया। बेवकूफ समझ रही है, जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो। 300 करोड़ रुपये सुनते ही दिमाग लग गया, बात यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हैप्पी दिवाली। तुम अयोध्या में दीपावली से रोकोगे हैं? श्री राम भक्तों को रोकोगे? क्या बात कर रहे हैं? तुम सरदार जुएश हो? मैं उसी दिन समझ गया था जब उसने 25,000 रुपये नहीं दिए ना मेरे सरदार ने। क्या देखते हैं दीपावली कैसे मनाता है। मैंने कहा था तूने दिवाली खराब करके ठीक नहीं किया, मेरी मर्जी का पैसा खर्च करने की आदत है। ऐसे दीपावली मनाऊंगा ना पूरा ब्रह्मांड देखेगा। हमारे यहाँ दीपावली पता है क्या होती है, लक्ष्मी पूजन। पैसे का आगमन रोक नहीं सकता उस दिन। तो मैं दिल्ली आया ही था पैसे लेने, सरबजीत सिंह आया ही था पेमेंट लेने। अब ढंग से ही वसूलूंगा पैसे। अब ये भी तो बताओ, जो ये कह रहा था ना कि भारत में जो कुछ भी है, चाहे वो हितेश हो चाहे कोई, वो भारत का है, तो इसका भी तो जवाब दे दे। स्वर्ण मंदिर कौन सा पाकिस्तान में है, जवाब तो देना पड़ेगा तुझे। स्वर्ण मंदिर कौन सा पाकिस्तान में है, जामा मस्जिद कौन सा पाकिस्तान में है? जिस एंगल से कहेगा उस एंगल से पैसा वसूल लेना। बता ऑर्डर कहाँ से शुरू करूँ, खाली चाहिए स्वर्ण मंदिर, सब रखते है। जबरदस्ती मेरे गेम में घुस रहे हो, पहचाना नहीं मेरे को। मतलब तुम तो अपने आप को ऐसे समझ रहे, ठीक है, जैसे मतलब क्या कहते हैं, अरे यार ठीक है, होंगे तेरे पास पैसे कुछ ज्यादा, मान ली तेरी बात। यहाँ पता है क्या मामला है, दिमाग में अटक गई तेरी हरकत। दिमाग में अटक गई थी बस। माँ का घोसड़ा ऐसी कॉलोनी की, यहाँ की जो तुम्हारे पिप्पा चिप्पा डिप्पा लिप्पा की। मैं भी तो पूछूं जत्थेदारों से, अबे जिस एंगल से जाएगा उस एंगल से वसूल लेंगे पैसा है। रूस बन जाऊं हैं?
अमेरिका बन जाऊँ, स्वर्ण मंदिर चाहिए तो चाहिए, बोल क्या बन जाऊँ, सऊदी बन जाऊँ, बोलना है मेरे देश में, ब्रूनेई बन जाऊँ, बोल क्या बन जाऊँ, तुर्की बन जाऊँ, बताना कहाँ से वसूलों पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, चंदो को, अच्छा पैसा तो सरदार तुम भी दोगे, अब चुपचाप जो है ना घरों से ज्वेलरी झोले में भर भर के स्वर्ण मंदिर पहुँचा दे, समझ में आ गई, चुपचाप जहाँ से कहेगा वहाँ से वसूल लूँगा पैसा, बोल शुरुआत कहाँ से करो, एंटीक कौन सा एंटीक है, हम नहीं खरीदते, तोल ले गोल्ड, गोल्ड है बात खत्म, साबित कर पुराने गोल्ड में कुछ खास होता है, कुछ नहीं होता खास, कैसा लग रहा है, पैसा तो देना पड़ेगा, बहुत रिकवरी बाकी है, सोने से मरा हुआ है सोना हरमंदर साहब, एल्बर्ट स्वर्ण मंदिर घेरो, पैसा तो लेकर आऊंगा अपने यार, क्या करूँ यार, 174 लाख करोड़ कहाँ बराबर हो पा रहा है, अश्वेदी निवासी भारत का नागरिक है यार, हमें क्या मतलब तेरे, भारत धर्म निरपेक्ष है, संविधान में लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, खालसा वाले तो सीरिया में भी जाके काम कर रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सरदार का फट गया कच्चा, बकवास नहीं, पैसा कम पड़ेगा उसके बाद काटना शुरू करेंगे अपन, नहीं भाई पैसा वसूलने आए तो दूर से दिख रहा है वो, देखिए गोल्ड है क्या वो उसमें, पहले वहां पहुंच, जमीन के नीचे बाद में देखेंगे, पहले जो ऊपर है उसे पकड़, बीए इन एल्बर्ट, स्वर्ण मंदिर चाहिए तो चाहिए, पैसा यार बहुत ज्यादा है यार, नहीं हो पा रही रिकवरी, क्या चंदो मुझे क्या लेना देना किसे ही मार तू, अरे 10-20 हजार 50 हजार करोड़ का होगा क्या, उतार ले हरमंदर साहब है गुरुद्वारा है, मैं क्या करें, साड़ो की तोड़ो की, वो इत्थे आ, वो उत्थे जा, वो की गल है, अच्छा गल मतलब लड़की होता है, फिर इसमें मानी सुना नहीं दे रहा ना, बहुत बड़ा बदमाश है तू,
अब ऐसे मारते हैं वे, मारने का तरीका हमारा कुछ अलग है थोड़ा सा। पाकिस्तान में तो नहीं है स्वर्ण मंदिर, बड़े दिन से बहसबाजी चल रही थी, बोले फिर तुमने मुझे मना कर दिया खुद, ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है, ये तो CIA है। अरे बाप रे बाप, ओह ते चांद से चक्र क्यों, चांद भी तो हो सकता है। तो चांद पाकिस्तान का ही क्यों, तुर्की का क्यों नहीं, पाकिस्तान में चांद की मर्जी है, चांद बोलता भी है। ये देखो है। चा, चा से चक्र, चांद, चलचित्र, क्या बात है, बड़े दिन से जत्थेदार बहस कर रहा। अरे एनु सुन जाना, ये तो आती नहीं पंजाबी यार, मैं तो बढ़िया तरीके से बोलता। अरे एनु सुन जाना, भारत में रहता सब भारत का है। अच्छा तू कौन सा पाकिस्तान में है, सऊदी की तरफ से पैसा वसूल रहा मुझे भारत सरकार से। रूस की तरफ से वसूलना है पैसा मुझे, अंगूठे पर राह से रूस, ये रूसी नागरिक है यार, ये चीनी का, अरे यार चाह से चीन की तरफ से वसूलना है। स्वर्ण मंदिर, मंदिर थोड़ी है सर, फिर गुरुद्वारा है सर, हरमंदिर साहब, अरविंदर भी होता तो क्या होता, अरविंदर को भी खाली कर देंगे। सुना बहुत पैसा है सरदारों के पास, बड़ा चीखते रहते हैं, खालसा 80 और तुम 80 हो, वहाँ देंगे खस्सी तुम्हारा, परफेक्ट झटका, दिमाग तेज रही था। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? बहुत तेज दिमाग होते ये सदा लोग के, बहुत तेज दिमाग होते, बहुत पैसे वाले होते, कितने पैसे होते उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। सुना भारत के सरदार बहुत पैसे वाले हैं, शुरुआत पंजाब से वसूली की होगी, शुरुआत पंजाब से करेंगे। नहीं कपूरथला की महारानी को नहीं बोलना कुछ, वो अलग है। कपूरथला से आया हूँ तेरे लिए लाया हूँ, कपूरथला से आए ना, कपूरथला से आई हूँ तेरे लिए लाई हूँ, क्या लाई है, आई नहीं है तो लाई भी क्या, एचे चिल्या नहीं, नहीं बात कर ली, सिर्फ कपूरथला से वसूली नहीं होगी, आगे पूरे पंजाब से हमें क्या लेना देना, उतारो पंजाब में नेटो, एल्बर्ट, BAE, US Army,
25 लाख पैराग्राफर्स पैसा वसूलना हमें क्या लेने देना है, कौन है? अपना गुरु ग्रंथ साहिब उठाइए और कहीं दूर जाके पाठ कीजिए। हमें आपकी उस दिव्य किताब से कोई लेना देना नहीं, ले जाइए। कल को कह मत देना फिर, क्योंकि है तो आखिर में वो एक मकान ही ना। मेरे मकान की कीमत लगाने वाले सरदार की इतनी औकात, हम भी तो देखें तेरे इस हरमंदर साहब की कीमत क्या है। वो तेरा गुरु का घर है और ये मेरे शिष्यों के गुरु का घर है, सोच लो। बहुत लंबी जुबान हो गई थी तुम्हारी, वर्ल्ड की पेमेंट करनी है बे, फोकट में नहीं कर रहा जैसे तुम नहीं करते। ऑल ओवर वर्ल्ड की पेमेंट के ऑर्डर दे दिए हैं, वसूली पंजाब से शुरू होगी। पंजाब क्वारंटाइन किया जाए, ऑल ओवर इंडिया से सारे सरदार और पंजाबी पंजाब पहुंचो। छतरपुर एनक्लेव फेस वन, आखिरी बार समझा रहा हूँ, वहाँ बख्श देंगे, यहाँ नहीं बख्शेंगे। कहाँ से दें, मैं क्यों अपनी बहन बेटियाँ बिकवाऊँ, मैंने तो पेमेंट कर दी ना, बोल दिया वर्ल्ड बैंक को, ऑल ओवर वर्ल्ड की पेमेंट करने को तैयार है। बस वो पुतिन साहब, वो जरा रशियन आर्मी भेजो जरा इस बार, ये नेटो और इनके बस की नहीं है, पुतिन साहब और चाइनीज आर्मी सुनेगी। राज रूस और चीन का ये जासूस है सर, आपको पता नहीं है, अंगूठे पर आज से रूस चाह से चीन है। अच्छा जी, पता नहीं भाई, मंगाली चीन से चाइना की आर्मी 25 लाख, क्वाडा इन पंजाब बोथ साइड, सिर्फ वसूली चलेगी, जेसीबी लगा के बाद में लेवल करेंगे, देखते हैं कितनी रिकवरी होती है। बहुत पैसा है सरदारों को, अरे सरदारों से ज्यादा पैसे वाला कौन है, खालसा है, खालिस है। बस खाली मत निकलियो बे, खालसा है मान ली बात, खाली ना निकल जाइयो, समझ रिकवरी चल रही है, समझ आ रही है, जाएगी तो मरियम नवाज पाकिस्तान से ही होके। अच्छा ये बात है, पुतिन साहब वो क्या हाल है, यहाँ भेजो जरा 10 लाख रशियन आर्मी, नहीं रुक जाओ नेटो यूएस आर्मी रुक जाओ, आप लोग उधर काम करो, रशियन आर्मी भेजो जी 10 लाख पंजाब में, रिकवरी है सर, पैसा लेना है सर, बहुत पैसा। अरे वो सरगई साहब आए हुए है ना, बुलाओ सर आर्मी बुलाओ, अरे वो पेमेंट मैंने कर दिया, वो तो आर्मी चाहिए मेरे को जो खर्चा होगा दे दे मैं। उल्टा कर करके ना, और बेटा मशीन लगा लगा के रिकवरी करते हैं हम, दांत तक निकाल लेते हैं गोल्ड के, तू जानता नहीं है भी हमारे बारे में,
सबसे पहली रिकवरी पता भारत में किससे करी थी हमने? नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। पता कैसे? पकड़ के दांत देखे थे पहले इसके, दिखाइए वो मेरे गोल्ड, ये अंदर से गोल्ड वाला दांत है, निकाल इसको। पहले मोदी खुक्कल बैंड किया, चलो निकाल, जेब जमा तलाशी करा, बैंक अकाउंट बता फटाफट। हाँ बैठा रहा सिक्योरिटी में, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, जिंदा है लेके जाए इसे, पैसा लेना है हमने। तुम्हें पता नहीं है रिकवरी होती क्या है? अबे छोड़ना, ये कृपान विरपान किसे दिखा रहा तू? ओ वहाँ वहाँ, ओ उधर वहाँ जा, कहीं जा पैसा। भैया भारत क्या बात कर दी, भारत में क्या कहते हैं हिंदुओं की, क्या कहते हैं बहन बेटी लुटवा दूँ? पेमेंट करी है मैंने भाई, जुबान तेरी लंबी थी, शुरुआत तेरे से ही होगी पहले। उतारो ओए रशियन आर्मी, स्पिटनास, केजीबी, स्टार्ट रिकवरी फ्रॉम पंजाब, बोथ साइड, इंडिया एंड पाकिस्तान, स्टार्ट रिकवरी फ्रॉम पंजाब। और ले जाके छोड़ा उनको कहीं और रेगिस्तान में, बनाते रहेंगे वहाँ पे अपना जो बनाना है। वाह भाई वाह, यहाँ से सब कुछ मिल गया। मेरे को सिखा रहा है फालतू बातें हैं? अच्छा जी, वाह भाई वाह, मतलब तुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हम अपने जो है तर्कस में तीर लेके बैठे ही नहीं है? बेटा इतना छेदूंगा ना, समझ गया ना, छेद ही लाल भी शर्मा जाएगा, समझ रहा है? इतना छेदूंगा, तू जानता नहीं मेरे बारे में अभी। अफसर ठीक 5 घंटे बाद, रशियन आर्मी, पैरा ट्रूपर्स, स्वर्ण मंदिर में पैरा ट्रूपर्स उतारो, 5 लाख। चल और सुनो, हाँ पूरा पंजाब एक एक घर तलाशी लो, एक एक सिक्का। अरे सिक्का, ओहो क्या नाम था तेरा, सिक्का नाम है तेरा, इसको सबसे पहले पकड़ो। अच्छा जी, सिक्का तो हमारा चलेगा, देख लेंगे तेरे को। अमृता विंडर, मीता जैन, और तू पंजाबी तुसी? अच्छा, और जूता हो भगना मत बस, कर लेते हैं। मतलब तुम सही हो हैं, पैसा भी नहीं दोगे, बदमाशी भी दिखाओगे, काम फ्री में करवाओगे। पंजाबी पता है क्या करते हैं, बिहार से लेबर जाती है ना वहाँ पे काम करने, जबरदस्ती होस्टेज बना लेंगे। मेहनत करवाएंगे, पैसे नहीं देंगे। अब बताते हैं हम तुझे, कुछ नहीं सुनेंगे तो नहीं। नहीं, सरगई साहब आ रखे हैं ना, शुरू हो जाओ सरगई साहब, पंजाब से बुलाओ आर्मी, हाँ JSR सिक्योरिटीज में, हाँ JSR सिक्योरिटीज में आर्मी है भाई, पैसा वसूलना है यार, क्या करे यार, और क्या, चलो जाओ। हाँ वो सारे सैटेलाइट लो इनसे, सैटेलाइट होता है इनका सर पे, हाँ काम आएंगे, असली वाले हेड सर्वर है कहते हैं। ठीक है भैया, कितने में बिकता है एक हेड सर्वर? 10 लाख रुपए का। ठीक, कितने हैं पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में सरदार कितने? अभी कैलकुलेटर में हिसाब लगा के बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक।